मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के लेसन नंबर 5 हिंदी विषय के, जिसका नाम है अनोखी सूझ, के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अनोखी सूझ मतलब सूझ समझ, अनोखी मतलब विचित्र, विचित्र बातें, ठीक है। इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और देवताओं, भगवानों, दानवों, इन सभी के बारे में बातें करेंगे। बहुत ही अच्छा पार्ट है, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। बात पुराने जमाने की है, उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। और देखो, देवताओं तो अपन जानते हैं, दानव यानी राक्षस में क्या होता रहता था, युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी के पास गए, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए। एक तरफ तो दानव थे, एक तरफ देवता थे, ठीक है। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, ठीक है। सही बात है, बिल्कुल। दानव भी ब्रह्मा जी की संतान है और देवता भी ब्रह्मा जी की संतान है। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। ये ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि बताइए कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। तो देखिए, अब ब्रह्मा जी बताएंगे इनको कि कौन बुद्धिमान है। देखो, ब्रह्मा जी बैठे हुए चित्र में और एक तरफ दानव बैठे हुए और एक तरफ देवता बैठे हुए। अब देखिए क्या होता है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताओ। अब बताओ किसे बड़ा बताऊँ, दोनों ही पुत्र समान है, क्योंकि ये भी उनके पुत्र है और ये भी उनके पुत्र है। अब किसे बड़ा बताऊँ, अभी सोचने लगे। तो देवताओं को या दानवों को, ये सोचने लगे कि देवताओं को बड़ा बताऊँ या फिर दानवों को बड़ा बताऊँ। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लग जाए। बिल्कुल सही बात है, यदि देवताओं को बता दिया ज़्यादा बुद्धिमान तो दानव नाराज हो जाएंगे, और दानवों को ज़्यादा बुद्धिमान बता दिया तो देवता नाराज हो जाएंगे, और ऐसा ही हो सकता है कि दोनों में क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताए तो किसे बताएं। कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा, ठीक है। उन्होंने बोल दिया, इसका उत्तर कब दूंगा, कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको भोजन पर बुला लिया। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। एक कमरे में तो दानव दानव बैठ गए, एक कमरे में देवता देवता बैठ गए। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। ब्रह्मा जी भी पहले किसके कमरे में गए, दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े, कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। अब देखिए, हाथ से भोजन करते हैं तो कोहनी तो मुड़ती है, पर ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि क्या करना है आपको, कोहनी को नहीं मोड़ना है और भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, चले आ गए, समझ में आ रही है ना बात। हाँ चलो बच्चों, प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। प्रजापति की बात सुन दोनों क्या हुए, परेशान हुए। वे एक दूसरे को मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे, अब बिना कोहनी मोड़े तो कैसे खा सकते हैं। तो देखिए, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, मतलब भोजन भी पूरा करना है और कोहनी भी नहीं मुड़नी चाहिए। प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठा उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे, ठीक है। देखो ये चित्र में जैसे दे रहे हैं ना, ये इन्होंने क्या एक विचार, मतलब दिमाग लगाया इन्होंने। कुछ देर में थाल साफ हो गए, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल, मतलब कोई आवाज नहीं, कोई शोरगुल नहीं। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन को कर लिया। ये होगी दिमाग वाली बात। अब देखिए दानवों की बात आती है। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। आ ही गए हैं तो परीक्षा
देनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं, दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। दानवों ने क्या किया, किवाड़ों को क्या कर लिया, बंद कर लिया। लड्डू के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। अब लड्डू के थाल पर टूट पड़े और क्या किया, ऊपर उछाल रहे। देखो कैसे ऊपर उछाल रहे, चित्र में बता रहा है ना आपको। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। अब जमीन पर गिरेंगे तो चूर चूर ही तो होंगे ना, तो चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाजें आती रही, मतलब शोर गुल होता रहा। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। ये सब कौन कर रहे हैं, दानव कर रहे हैं। अब देखिए, सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है, जानते हो क्यों, इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई, ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए, लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। अब देखिए, ये दानवों की बात आई तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन हुआ, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हुए देवता, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और सूझबूझ से लड्डुओं को समाप्त किया। अब शिक्षण संकेत पढ़ लेते हैं। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसके लिए संस्कृत में एक सूक्ति है, बुद्ध धैर्यस्य बलम तस्य। इस पौराणिक कहानी में देवताओं के परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है। शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारें। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा पाठ था अपन ने आज पढ़ा, कि बुद्धि के बारे में पढ़ा कि बुद्धि किस में जाता है और दानव और देवताओं में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। तो देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपन ने पाठ पढ़ा, बहुत ही अच्छा पाठ था। इसमें यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।